इस तरीके से ये पतंग जमाई जाती है। देखो ये किस तरीके से, एक जब ये कार्टून भरते हैं ना, इसके अंदर 4000 पतंग भर रहे हैं, इसके अंदर 1 से 1.5 घंटे का समय एक बंदे को लगता है। 1 से 1.5 घंटा हाँ, इस तरीके से इसको जमाया जाता है। आप ये देख रहे हैं, हम हल्का फुल्का कोई डैमेज, बाकी आप देखो ना कितना मजबूत हम गत्ता लगाते हैं, पूरा एकदम फ्रेश गत्ता लगाते हैं। इसके अंदर 6 से 7 हम रस्सी बांधते हैं। तो भाई साहब सीधा हम लोग चल रहे हैं गोडाउन के अंदर। ये छोटा वाला गोडाउन है और इससे बड़ा वाला गोडाउन भी है हमारे पास। तो मोहसिन भाई इसके बारे में बताइए कुछ। ये गोडाउन, तो भाई लो एक और गोडाउन का छोटा सी रूप आपको दिखाया जा रहा है। तो मोहसिन भाई अंदर जा नहीं पा रहे, इतनी सारी पतंग। मोहसिन भाई इसके अंदर क्या है? ये सब इसके अंदर तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो पतंग की हम लोग इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं जयपुर के अंदर, तो उसके जो ओरिजिनल ओनर हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे अंकल ने हमारे लिए टाइम निकाला। मैंने कहा कि हम अहमदाबाद से आए हूँ अंकल, अपने बारे में थोड़ा एक दो शब्द हमारे जो व्यूवर से उनको बता दीजिए। तो अंकल आप और आपकी शॉप के बारे में थोड़ा बताइए। जी हमारी शॉप है, ये हमारे दादा मोहम्मद उस्मान ने लगाई थी जी, और वो तकरीबन 1950 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई थी, पतंग बनाने की, कारखाने वगैरह सारा मैन्युफैक्चर हमारे और हमारे कारखानों में होता है जी। उनके ध्यान के बाद में हमारे फादर अब्दुल हमीद ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया जी, और फर्म को 1962 में CST में रजिस्ट्रेशन कराया जी। उनके ध्यान के बाद में 2010 में उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद से इस कारोबार को हम और हमारे बच्चे वगैरह संभाल रहे हैं जी। तो अभी फर्म का नाम आपके नाम से? जी नहीं, फर्म हमारी पुरानी चली आ रही है, मोहम्मद उस्मान अब्दुल हमीद पतंग मर्चेंट। तो दुकान का नाम है हमारा अब्दुल हमीद पतंग वाला, जो ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी फेमस है और ऑलरेडी इनको यूट्यूब से ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन हमारा जो लक है कि हमको भी भाई ने बुलाया जयपुर, अंकल ने बुलाया जयपुर वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा हमारे गोडाउन से। थैंक यू सो मच अंकल अपना टाइम देने के लिए। तो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, बीसीसी और सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू चैनल सेजू ब्लॉग। तो एक बार फिर से जयपुर के अंदर मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ पतंग के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे। गाइस जो पीछे मेरा बॉक्स देख रहे हो ना, और ये सारा गोडाउन देख रहे हो, नीचे का जो फ्लोर है ना, ये पूरा पतंग का वेयरहाउस है। पतंग इसके अंदर बन के आती है और यहाँ पे जमा होती है पूरा इंडिया, और जो मैं गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो सारी की सारी पतंग यहीं से जाती हैं। तो ये पतंग कहाँ पे जा रही हैं, कितनी पीस की जा रही हैं, कितने मतलब बॉक्स के अंदर पैकेजिंग है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मियान टड्डे की वगैरह की वीडियो भी बनाओ, तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो कितने बल्क में रखे हुए हैं, अगर ये फ़ोन करके पूछ लेना किसी को चाहिए तो दे देंगे। ये हमारा गोडाउन है, देखो पतंग का पूरा गोडाउन है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गोडाउन है, और ये हमारी पतंग अभी पार्सल होके कहीं जा रही है, तो इसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा। ये भी हमारा अंदर गोडाउन है, और ये देखो बॉक्स में कितनी सारी पतंग रखी हुई है। अब ये जो पतंग है ना, ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होने वाली है, तो हमारे वाहिद भाई के पास चलते हैं। ये वाहिद भाई का ही वेयरहाउस है, और वाहिद भाई आज इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे उनके बड़े भाई से। वाहिद भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। तो वाहिद भाई इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये हमारे बड़े भाई हैं जो हमारी फैक्ट्री वेयर हाउस जो है ये संभालते हैं जी। भाई आपका नाम? तो मेरा नाम मोहम्मद मुसीर। मोहम्मद मुसीर, मोहसिन। तो मोहसिन भाई मतलब अभी ये जो पूरा रेडी हुआ है माल जी, ये जा कहाँ रहा है? ये हमारा माल आजकल जैसे अभी महाराष्ट्र का सीजन चल रहा है जी, पंजाब का चल रहा है जी, और गुजरात का चल रहा है, MP का चल रहा है, पूरे राजस्थान का चल रहा है, तो हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर सप्लाई है। अच्छा हाँ, हर जगह माल जाता है। तो मोहसिन भाई ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स के अंदर कितनी पतंग है? इस बॉक्स के अंदर अभी मैंने 4700 पतंग भरी है इसके अंदर। तो अलग अलग क्वालिटी के? अलग अलग क्वालिटी के, जैसे आज ये वाला माल है जो ये MP जा रहा है, ये वाला माल है, ये 1, 2 और 3 बॉक्स MP के हैं। ये MP मध्य प्रदेश जा रहा है? मध्य प्रदेश जा रहा है, मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर जा रहा है।
सागर जिले के अंदर, तो ये एक बॉक्स जो उधर वाला है तो उसकी जो प्राइसिंग होगी, मतलब ये एक बॉक्स कितने में रेडी हुआ है, मतलब कितने का कॉस्ट होगा? हाँ, हमारे यहाँ पर जो चलता है ना, इसके अंदर जैसे हमारा, जैसे ये सपोज करिए ये पतंग ही है, अब इस पतंग का जो कॉस्ट है ना, ये 2.40 रुपए का ही एक बॉक्स के अंदर। ये मैंने इस वाले बॉक्स के अंदर 5,000 भरी है पतंग, सेम पतंग। हाँ, सेम पतंग, एक वेरायटी का। हमारे यहाँ क्या है, होलसेल का काम है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो बॉक्स के बॉक्स ही लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़ी जो पतंग होती है, जिस तरीके से ये वाली पतंग है, ये जैसे ये साइज है, अब ये महाराष्ट्र जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, बिल्कुल महाराष्ट्र के जलगांव जा रहा है ये। अब इस पतंग का रेट है 2.80 रुपए का, 2.80 रुपए, बिल्कुल। तो इसके अंदर ये भी 5,000 है? नहीं नहीं, इसके अंदर जैसे ये बड़ा साइज है तो ये 4,000 का आता है। अच्छा, अब जैसे उसके अंदर अपन आगे चलेंगे तो एक पतंग देखिए, ये 30.5 इंची का, ये बड़ा साइज पतंग है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कलर डिजाइन बहुत है, पतंग की क्वालिटी देखो, क्वालिटी है इसके अंदर। देखिए पूरा बॉक्स मैंने भरा है इसके अंदर, हमने देखिए ये छोटे छोटे फंगस इसके नीचे डाल दो, ताकि इससे क्या पतंगे फटती नहीं है। तो अभी तक मतलब आपने कहीं पे भी भेजा है आप, मतलब ये तो कई सालों से आप इस तरीके से भेज रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी डैमेज हुआ है पतंग? नहीं नहीं नहीं, मामूली सा अगर हल्का फुल्का कोई डैमेज, बाकी आप देखो ना कितना मजबूत हम गत्ता लगाते हैं, पूरा एकदम फ्रेश गत्ता लगाते हैं। इसके अंदर 6 से 7 हम रस्सी बांधते हैं, बहुत बढ़िया पैकिंग होती है। आप ये देखो ना, इसका गत्ते का वेट ही 8 से 10 किलो का वजन है इस गत्ते के अंदर। गत्ते के अंदर? हाँ, गत्ते के अंदर 8-10 किलो का वजन होता है इसके अंदर, मोटा गत्ता होता है ये। तो फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर हम जिस कार्गो से भेजते हैं ना, तो हम उसके ऊपर मार्किंग डालते हैं, ये पतंग का माल है, जिससे कि वो आराम से उतारते हैं, डैमेज नहीं होता जी। तो मोहसिन भाई एक चीज और बताओ कि ये जो पैकेजिंग करके आप डिलीवरी भेज रहे हो जी, जैसे 5,000 पतंग की, तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी तकरीबन, जैसे अगर वो वाली पहले वाले की बात करें तो? हाँ, जैसे मैंने आपको वो बताया 2.40 रुपए की जो पतंग पड़ रही है, तो वो 4×5=20,000 रुपए का डब्बा हो गया, 12,000 का डब्बा हो गया। तो डिलीवरी चार्ज एमपी का कितना होगा? डिलीवरी चार्ज का जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिलीवरी होता है ना, अलग अलग होता है, बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी हम महाराष्ट्र माल बेचते हैं, वहाँ पर ये जो पार्सल है 5,000 पतंग का, इसका 450 से 500 रुपए एक नग का किराया लगता है एक डब्बे का। हाँ, 5,000 पतंग, अगर हम एक पतंग की कॉस्टिंग पे अगर 5,000 पतंग मैंने भरता हूँ उसके ऊपर, हाँ। एक पतंग के ऊपर अगर 500 रुपए का भी उसका भाड़ा लगा, तो 5 पैसे मात्र 5 पैसे एक पतंग पे ग्राहक का एक्स्ट्रा। मतलब अगर ये पतंग मैं उसको 1.80 रुपए की मैं देता हूँ, तो उसको उसके घर पे पहुँच के 1.85 रुपए की उसको पड़े, बस उससे ज्यादा नहीं। तो वो 1.85 रुपए जो है वो कितने में बेच सकता है ये पतंग? ये वाली पतंग महाराष्ट्र के अंदर 5 रुपए में सेल होती है, मतलब 200 गुना फायदा, बिल्कुल बिल्कुल डबल, इसके अंदर डबल का मार्जिन। अभी जैसे देखिए ये इतना बड़ा पतंग है, 30.5 इंची का पतंग है जी, बिल्कुल। इसका हमारा जो होलसेल का प्राइस है उसका है ये 3.80 रुपए का जी, बिल्कुल। इसके अंदर अलग अलग आप देख सकते हो कलर, डिफरेंट डिजाइन, कलर भी अलग अलग आते हैं, डिफरेंट डिजाइन आते हैं इसके अंदर। अब ये जो 3.80 रुपए का पतंग है, अगर ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी मंगाते हैं जी, हमने तमिलनाडु हम माल भेजते हैं, वहां पर एक डब्बे का कॉस्ट बैठता है 700 से 800 रुपए। अच्छा, हाँ, जो उसका होम डिलीवर हो जाता है 700 रुपए में, 800 रुपए तक में उसका घर पे पहुंच जाता है। तो अगर हम उसको अगर इंटू करेंगे ना, तो ये 3.80 रुपए का जो पतंग है, ज्यादा से ज्यादा उसके घर तक पहुंचते 3.95 रुपए या 4 रुपए का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़े, ज्यादा नहीं, नहीं, मतलब बेनिफिट ही है, बेनिफिट ही बेनिफिट ही। वहाँ पर तमिलनाडु में ये पतंग 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का सेल होता है। ओके, एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, लेकिन आप एक दिन में कितनी पतंग की डिलीवरी देते हो? एक दिन में हम कम से कम जितनी आप चाहें, हमारे पास तो क्या, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हम अभी कितनी जा रही है, अभी कितनी जा रही है, अभी तो देखो जैसे ये मैं 12 या 13 कार्टून अभी मैं बुक करवा रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ महाराष्ट्र के और कुछ एमपी के हैं। हाँ, तो एक मतलब डब्बे के अंदर किसी में 4,000 भी होती है, जैसे ये बड़े पतंगे तो इसमें 3,000 है जी, ये थोड़ी छोटी पतंगे तो इसमें 5,000 है, वो वाला 5,000 का कार्टून है, तो लगभग ऐसे मान के चलिए आप 50 से 60 हजार पतंग डेली जा ही रही है। हाँ, इतना तो एक लाख भी। अब जैसे कल मैंने एक माल की गाड़ी भरी थी, उसके अंदर मैंने पूरा गुजरात का ट्रक भरा था मांझे का जी। हाँ, तो उसके अंदर मैंने 60 कार्टून मांझे के भेजे थे। अच्छा, मांझे का भी गोडाउन है? हाँ, मांझे का भी, हमारा होलसेल का काम है ना। क्या बात है, तो भाई उधर भी लेके चलो। पतंग का तो जैसे ये हमारा, हम अपना रॉ मटेरियल कारीगरों को देते हैं, कारीगर इसको जिस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, मटेरियल अपना होता है? हाँ, रॉ मटेरियल पूरा हमारा होता है, जैसे कागज होता है जो इसकी शीट आती है जी, 4x75 की। आप जैसे देखिए ये इसकी स्टिक होती है जो पतंग के अंदर लगती है जी, आप देखो ये इसका एक बंडल है, इसके अंदर ये स्टिक होती है इस तरीके से, आप देखो ये
ये स्टिक होती है, ये इससे पतंग बनती है जी। ये हम कारीगरों को देते हैं, खुद ही खुद की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मोहसिन भाई, अगर किसी को ये स्टिक चाहिए हो तो दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, स्टिक चाहिए स्टिक भी मिलता है हमारे पास, इसका पेपर चाहिए पेपर भी मिलता है, पतंग अगर आपको जुड़ी हुई चाहिए जुड़ी हुई भी मिल जाएंगी, कटी हुई भी मिलेंगी, हर तरीके का अवेलेबल मिलता है पतंग की दुनिया में। जितना भी इसकी ऐसे सीरीज है, जो भी चीज यूज में आती है उसका पूरा रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से ये पतंग जमाई जाती है, देखो ये किस तरीके से, एक जब ये कार्टून भरते हैं ना इसके अंदर 4000 पतंग भर रहे हैं, इसके अंदर एक से डेढ़ घंटे का समय एक बंदे को लगता है, एक से डेढ़ घंटा। हाँ इस तरीके से इसको जमाया जाता है। आप ये देख रहे हैं, हम हमारे कस्टमर की इतनी फिक्र करते हैं, हमारे कस्टमर के पास ये देखिए, हम इसके अंदर एक दवाई का पाउडर भी डालते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 महीने तक इस पतंग में ना कीड़ा लगेगा ना कोई फफूंदी आएगी। क्या बात है, मतलब माल एकदम जब कस्टमर खोलेगा ना अपना 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी तो उसका माल एकदम फ्रेश निकलेगा। क्या बात है। हाँ इसके अंदर कोई सीम नहीं लग सकती, कोई कीड़ा नहीं लग सकता, उस चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं। एक भाई आपने क्या बताया था, कितने साल से अपना बिजनेस है? हमारा हो गया करीब 1930 से, हमारे परदादा ने स्टार्ट करा था ये। हाँ 1930 से। तो गाइस जिसने भी सबसे पुराने जो कारखाना जो स्टार्टिंग की थी ना जयपुर में, हाँ वो हमारे दादा थे मोहम्मद उस्मान जी। तो गाइस जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वाहिद भाई की, जो मेन बाजार के अंदर जो इनका मार्केट के अंदर शोरूम है और इनका जो शॉप है उसका वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, उसके अंदर सारी डिटेल्स है। ये जो भी माल आप लोग देख रहे हो ना, ये जो भी डिलीवरी हो रहा है सारा आप ही लेते हो क्या ऑर्डर? बिल्कुल बिल्कुल, भाई भी लेते हैं। अच्छा आप भी लेते हो? बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई का भी नंबर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई का रहेगा। ओके, तो आप भाई से भी बात कर सकते हो, हमारे भाई से शायद इनका भी नंबर रहेगा तो इनसे ही बात कर सकते हो, वाहिद भाई से ही बात कर सकते हो। मोहसिन भाई ऐसी कुछ चीज बताओ जो अदर मार्केट में किसी को ना मालूम हो, अपने पास क्या चीज है ऐसा कुछ बताओ। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ उसमें से कुछ। तो भाई साहब सीधा हम लोग चल रहे हैं गोडाउन के अंदर, ये छोटा वाला गोडाउन है और इससे बड़ा वाला गोडाउन भी है हमारे पास। तो मोहसिन भाई इसके बारे में बताइए कुछ। ये गोडाउन दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर जितना माल आप देख रहे हैं ना, इतना माल इसमें डेली आता है और डेली डिस्पैच होता है। अब इस छोटे गोडाउन के अंदर ही आप देखेंगे ना कम से कम 1.5 से 2 लाख पतंगे हैं इसके, ये गोडाउन में। हाँ बिल्कुल, आप देखो ना पीछे तक भरा ही है इसके अंदर 1.5 से 2 लाख पतंग। हाँ 1.5 लाख तो मिनिमम होगी। यहाँ पर हमारा क्या है, माल डेली कारीगर लाते हैं, डेली हम जो इसे अभी आपने बाहर कार्टून देखे ना, हाँ इसके अंदर माल डेली हम पैक करते हैं, डेली माल यहाँ से डिस्पैच होता है, डेली यहाँ से कम से कम 50-60 हज़ार पतंग हम डेली डिस्पैच करते हैं। क्या बात है भाई यार, बहुत। जैसे पीक सीजन आता है हमारे यहाँ दीपावली के बाद, जैसे पीक सीजन होता है पूरा महाराष्ट्र चलता है, पूरा गुजरात MP है, पूरा राजस्थान चलता है, पूरा पंजाब है और भी अलग अलग स्टेट की बहुत सारी साइडें हैं जो चलती हैं इसके, तो डेली काफी माल जाता है। तब तो 1-1 लाख पतंग हमारे यहाँ से जाती है डेली, जाती डेली 1-1 लाख पतंग। हमारे यहाँ 12 महीने माल बनता है, साल के 365। अगर किसी को भी 12 महीने के अंदर माल चाहिए आपसे, हाँ। तो आपसे कॉन्टेक्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, साल के 12 महीने हमारे यहाँ काम चलता है, हमारे यहाँ 12 महीने ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं हम, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा माल जाता है, हम भेजते हैं नागालैंड, भेजते हैं मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, मणिपुर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा माल जाता है। और मैं तो ये कहूंगा कि मोहसिन भाई ये वीडियो के बाद तो आपको आउट ऑफ इंडिया से भी ऑर्डर आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हमने अभी 2 साल पहले जब 3 साल पहले लॉकडाउन से पहले हमने थाईलैंड माल भेजा था। अच्छा। वहाँ पर एक इवेंट था। हाँ उसके बाद हमने दुबई भी भेजा है, वहाँ पर भी एक इवेंट था, वो हमारे जयपुर के थे जो वहाँ पे थे, तो वहाँ पर जो अपने इंडियंस लोग रहते हैं वो फेस्टिवल करते हैं वहाँ पर 20 जनवरी को, तो तब हमने माल भेजा था यहाँ से। ओके, तो गाइस देखो यार सारी डिटेल्स मैंने आपको बताया कि यार आपको डिस्पैच होके कितने रुपए का माल पड़ेगा, आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हो, जयपुर की लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, तो वीडियो हम लोग थोड़ा बाहर निकल के फिर एंड करते हैं। तो आपको इससे ही बड़े गोडाउन में लेके चलते हैं जहाँ पे माल पैक रखा हुआ है। ये चीज़ देखो, ये सारे अभी माल पैक होके रखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप लोग ऑर्डर करोगे ना तो इस तरीके से पूरा पॉलीथीन के अंदर प्लास्टिक की इस तरीके से रस्सी बांध के आपको, ये देखो ये बड़ी पतंग का रॉ मटेरियल है, जो बड़ी पतंग का। हां बड़ी बड़ी पतंगों में देखो ना आप, ये कम से कम ये देखो कितनी बड़ी बड़ी इसके अंदर स्टिक है। वाओ, ये फुल साइज का जो 42.5 इंची का रॉ मटेरियल है, इसका कमांड चढ़ा है, देखो मेरे कहां से कहां आता है ये, और मतलब 3.5-4 फुट का है। हाँ हाँ, इस तरीके से हम ये डब्बे पैक करते हैं, देखेंगे 4700 पतंग है आड़ी इसके अंदर, इस तरीके से ये हमारे खाली कार्टून ऐसे होते हैं जी। तो देख सकते हो गाइस, भाई काफी जबरदस्त। आपको इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है गाइस, ठीक है।
तो भाई लो एक और गोडाउन का छोटा सा रूप आपको दिखाया जा रहा है। तो मोहसिन भाई अंदर जा नहीं पा रहे, इतनी सारी पतंगे। मोहसिन भाई इसके अंदर क्या है? ये सब इसके अंदर पतंगे जैसा मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ये 5000 का है, ये 5000 का है जी। जैसे 5000 का हम ये कार्टून बना बना के यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से। अब जैसे जैसे कस्टमर हमारे को ऑर्डर देते रहते हैं उस हिसाब से इसमें से जाता रहता है। क्या बात है। तो आपको मालूम रहता अंदर कौन कौन सी पतंगे? हाँ, सब पे जैसे क्वांटिटी लिखी होती है, जैसे आप इधर देखो, इधर दिखाओ, इस सब पतंग के ऊपर जैसे 3800 पतंग लिखी हुई है, आड़ी पतंग लिखी हुई है जी। इसके अंदर जैसे 2700 पतंग लिखे हुए हैं बड़े साइज के। जैसे जो पतंग बड़ी होती है वो कम भरते हैं, जो पतंग छोटी होती है वो ज्यादा भरी जाती है जी। जैसे 5000 तो मिनिमम हम भरते ही है पतंग, 5000 मिनिमम भरते ही है। और मोहसिन भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है, तो वो कभी हमको फुर्सत मिलेगी तो मैं बताऊंगा क्या चीज है। फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई अपना टाइम देने के लिए, और काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी मज़ा आ गया। तो यहाँ पे आज की वीडियो हम लोग एंड करेंगे गाइस। और ये इतना बड़ा गोडाउन दिखाने के लिए तुम्हारे भाई को थोड़ा यार थैंक यू वगैरह बोल दो। इसी पूरे अहमदाबाद क्या, पूरे गुजरात क्या, पूरे इंडिया में आपको किसी ने अभी तक नहीं दिखाई होगी, तो तुम्हारा भाई दिखा रहा है यार। तो वीडियो को यार लाइक बनता है, 1000-2000 क्या है, 50000 लाइक कर दो फटाफट। और वाहिद भाई की शॉप पे अगर आना हो तो राजस्थान में मैंने एड्रेस दे चुका हूँ, आप लोग राजस्थान में भी आ सकते हो। इनके गोडाउन पे विजिट करना है तो गोडाउन पे भी आ सकते हो, सब कुछ ओपन है। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कॉल कर लो, और डिस्प्ले पे एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है भाई। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ढूंढने के बाद मैंने ये कॉन्टेक्ट आप लोगों के लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और जयपुर की वीडियो अभी और आने वाली है तो वेट करो।